नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेन पंडित। मैं आप लोगों को थोड़ा पैरासीटामोल के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, पैरासीटामोल के बारे में मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक पैरासीटामोल है, आप देख सकते हैं सामने में, एक 250 मिलीग्राम है और दूसरा है 120 मिलीग्राम। एक कालपोल के नाम से है, दूसरा देख सकते हैं जैक्सन डीएस है और एक जमसल पाल का है। ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए, ये लिखा हुआ है 5 ml, ईच 5 ml कंटेंस पैरासीटामोल IP 250 mg। मैं आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है 5 ml कंटेंस 250 मिलीग्राम, यानी कि आप जो है एक चम्मच अगर लेंगे तो उसमें 250 mg जाएगा। एक चम्मच में 250 mg, यानी एक चम्मच में 5 ml होगा, तो समझिए कि 1 ml में कितना होगा, यानी 1 ml में 50 mg होगा। तो यानी कि अगर एक चम्मच लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में, यानी कि बच्चों को देंगे तो बच्चों को बॉडी के अंदर में 250 मिलीग्राम जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप एक, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो है 120 mg है पैरासीटामोल, देख सकते हैं है, और इसमें जो है 120 mg कालपोल। तो बताते हैं हम आपको कि देखें, ये जो है इच 5 ml कंटेंस पैरासीटामोल IP 120 mg, तो समझ सकते हैं कि ये 5 ml में 120 mg है, 5 ml में 120 mg है। तब समझिए 1 ml में कितना होगा, यानी समझिए कि 24 मिलीग्राम 1 ml में आएगा। तो ठीक उसी तरह समझिए, इसमें जो है इसका इस्तेमाल मान लीजिए कि अगर इसको दिन में 3 से 4 बार भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बुखार अगर उतर जाता है तो उसके बाद इसकी दवाई की सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि ये देख लीजिए, इसमें जो वेट के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन चलता है, यानी कि समझिए कि अगर 10 किलो से 10.9, यानी कि 11 में 1 किलो कम, तो उसमें जो है डोज जो है 6 ml देंगे। उसके बाद अगला जो है 11 kg से लेकर के 11.9, यानी कि 12 किलो से कम हो तो 6.5 ml देंगे। ठीक उसी तरह 12 kg से लेकर के 12.9, फिर 7.5 ml देंगे। ठीक उसके बाद जो है 13 kg से लेकर के 13.9, 8 ml देंगे। फिर 14 kg से लेकर 14.9, ये 8.5 ml देंगे। 15 kg से 15.9, फिर 9 ml देंगे। फिर 16 से लेकर 16.9, 10 ml देंगे। फिर 17 से 18, यानी कि 10.5 ml देंगे। तो दोस्तों, इसका ना हमेशा जो है दवाई, कोई भी मेडिसिन वेट के अकॉर्डिंग ही